नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बॉडी क्रॉस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल विद क्रिटिकल स्पीड सवाल है व्हाट विल बी इट सेंट्रीपिटल एक्सलेसन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल हमें बताना है जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग हो जाएगी वहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सलेशन कितना होगा ना ये आपका अगर वर्टिकल सर्कल मोशन ऐसे हम कंसिडर करें तो यहाँ से मान लीजिए आपने वेलोसिटी प्रोवाइड की है यू मिनिमम क्रिटिकल सिनेरियो है इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट फाइव जी एल और पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ऐसे मोशन करके इधर तो इस जगह पे आपकी आ, वेलोसिटी होगी अंडर रूट जी ये दोनों बातें हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं ना इसके बाद जब पार्टिकल आपका यहाँ पे पहुँचेगा हमें यहाँ बताना है इसकी लट से वेलोसिटी वी आ, इसको नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी पॉइंट कह रहे थे सो वी डी जब इस डी पॉइंट पे पहुँचेगा हमें बताना है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी। ना इस जगह पे हमें पता है सॉरी uh, यहाँ हमें बताना है सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन क्या होगा ना यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन ए सी जो है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे वी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होएगा हमें बस बी की वैल्यू पता करनी है तो ये सी और डी पॉइंट के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं लेटेस से इस जगह को हमने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो का रेफरेंस यहाँ पे ले लिया है सो so उसकी वजह से हम कहेंगे इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल फाइनल एनर्जी बिकॉज यहाँ वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय आपका सूडो फोर्स जीरो है एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हैं तो इस जगह पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो कानीटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी यहाँ से एच जो आपका है दैट इज एल प्लस हाफ एम वी डी का स्क्वायर अलग तो इसको कैलकुलेट करके अपनी वी डी की वैल्यू आ जाएगी सो so, यहाँ पे अब हम डेटा अगर इंसर्ट कर दें सो so, ये हो गया आपका ज़ीरो प्लस हाफ़ मल्टीप्लाइड बाय मास हो गया आपका एम अच्छा एम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं पूरी इक्वेशन से एम कैंसिल हो जाएगा ये आ गया वी सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर यानी कि जी एल वी सी आपका अंडरवुड जी एल था उसका स्क्वायर जी एल इसको इधर ले आते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस एम कैंसिल हो चुका है जी एल इज़ इक्वल टू हाफ वी डी का स्क्वायर विच एम्प्लाइज आपका वी डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये बनेगा आपका वन बाय टू जी एल प्लस जी एल यानी कि थ्री बाय टू जी एल और इस टू से मल्टीप्लाई भी इसको कर देंगे तो आपका जो वी डी है उसकी वैल्यू आ गई थ्री जी एल ये वी डी स्क्वायर की वैल्यू है इसे अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ए सी में वी डी स्क्वायर ही चाहिए सो नाउ ए सी जो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन उसकी वैल्यू हो गई वी डी स्क्वायर यानी कि थ्री जी एल डिवाइडेड बाय आर आर यहाँ आपका एल है सो आपका ए सी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री जी तो ये अपना फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन आ गया हैंस ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में